ये देखिए पूरे देश में जश्न की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं जहां से देव कोटक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, आज तो पूरी रात जश्न की रात होने वाली है। कहा कि आज रात पूरी जश्न की रात होगी, कहीं ना कहीं लोगों में आप उत्साह देख ही पा रहे होंगे कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर लोग आज मरीन ड्राइव पे आए हैं। बारिश होने के बावजूद भी फाइनल में वर्ल्ड कप जीतने के बाद 17 साल बाद आखिरी बार 2007 में जीता था, आज 2024 में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है स्वर्ग मिल गया है भारत की, पूरे भारत की। विराट कोहली के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट परफॉर्मेंस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड कप, विराट कोहली हैज प्लेड एन फाइनेस्ट नॉक। ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये विराट कोहली ने कहा है कि उसका ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा, कहीं ना कहीं आप उदास हैं? सिर्फ विराट कोहली के लिए नहीं, रोहित शर्मा के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और सूर्य कुमार ने जो कैच पकड़ी है उसने पूरा मैच का रुख बदल दिया है। आखिर में लास्ट में हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बॉलिंग करी है, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग के पारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बहुत अच्छा हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल की बैटिंग भी बहुत ही बेहतरीन रही, उसने 47 रन्स बनाए जो कि इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। क्या कहेंगे अक्षर की बैटिंग के बारे में? बहुत बढ़िया अक्षर पटेल, अक्षर इज द रियल हीरो, ही सेव्ड अस इन सेमीफाइनल, ही सेव्ड अस इन द आईएमओ। देव, अगर आपको लग भी रहा है कि आप नियंत्रित कर पाएंगे सबके जोश को तो भूल जाइए, क्योंकि मुंबई की ही सड़कों पर हमें याद है जब हमने 2011 का वो वर्ल्ड कप जीता था तो मुंबई की सड़कों पर बाढ़ आ गई थी, सैलाब आ गया था लोगों का, वहां पर चलने की जगह हम सबको नहीं मिल रही थी जब हम वहां आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, टीम इंडिया के खिलाड़ी फंस गए थे। इस बार तो विदेश में मुकाबला हुआ है, बार्बाडोस में मुकाबला हुआ है, और विक्रांत हम ये भी समझ सकते हैं, थोड़े से ढोल के बाद में विक्रांत आपके पास आऊंगी, क्योंकि बीच बीच में जोश का वो टेम्पो वो हाई रहना चाहिए। पूरे देश में बनता रहेगा, पूरी की तस्वीर देख रहे हैं, मुंबई की तस्वीर देख रहे हैं, हर जगह की तस्वीर आपको वैसी ही दिखेगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जश्न अब और आगे कैसे मनाया जाए। चंडीगढ़, पूरी मुंबई, दिल्ली, हर जगह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। विक्रांत, जो बात हम कर रहे थे कि कैसे ये जो हुआ है, अब 2007 की बात जो है वो तो अनबिलीवेबल था, उस समय तो किसी ने सोचा नहीं था कि पहले एडिशन में इस तरीके से जीत जाएंगे, वो फेरी टेल था। लेकिन आज जब हम इस जश्न को मनाते हैं तो उस डोमिनेंस के साथ मनाते हैं कि हाँ, हम विश्व चैंपियन हैं, हमने कई फाइनल खेले, देखो एक फाइनल जीत लिया, भारतीय टीम अपना दबदबा दुनिया को दिखा रही है। सही बात है, और श्वेता डोमिनेंस तो थी, मैं तो कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पिछले आठ महीने में इंडिया के पास एक नहीं दो वर्ल्ड टाइटल जीती हुई, वो अनफॉर्चुनेट है, यू वर देयर एट द फाइनल, इंडिया जो भी मतलब दैनिक तौर पर उसको हार गया, बट ये टीम भी स्ट्रॉन्ग रही है, इस टीम ने मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई है, बिकॉज कभी कभी ना हार के या तो हताश होते रहते हैं या सीखते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फायदा ये हुआ कि कंडीशन इंडिया को फेवर कर रही है, रोहित शर्मा थी इंडिया के स्पिनर्स के लिए भी, इंडिया के बैट्समैन के लिए भी, और वो कंडीशन इंडिया के फेवर में रही। प्लस यार मैं हैट्स ऑफ टू ये जो वेस्ट इंडीज के लोग हैं, ये वेस्ट इंडीज के लोग ये तो आई इंडिया को जिताने थे, ये तो मैं पहले कह दिया था, आवर टीम इज आउट मैन, इंडिया मान जो है यहाँ पर अभी भी देखो, लेकिन अभी भी ना यहाँ पर इंडियन फैंस तो ठीक है, ये लोग ज्यादा जश्न मना रहे हैं।
अभी चैंपियन। तो ये अक्रॉस दी बॉर्डर ये कॉम्प्लीमेंट आया है कि ये टुकड़ा नहीं है, ये इंडिया खेला चैंपियन की तरह, और ये है भी है, हकीकत भी है। हकीकत देखिए, आज साउथ अफ्रीका हराया, परसों इंग्लैंड को हराया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को, फील्डिंग जो 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 सूर्य कुमार यादव का कैच है छोटा, मतलब सूर्य कुमार यादव का वो कैच, वो कभी स्ट्रेन पर चढ़ना चाहता हूँ अगर आप लोगों की इजाजत हो। क्या था ट्रेन देखिए, वहां पर बारबेडोज में विक्रांत के पीछे से जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, लखनऊ में तिरंगा लहराते हुए जो आपको रात के समय में नजर आ रहा है, दिल्ली की जो तस्वीरें हैं, चंडीगढ़ की जो तस्वीरें हैं, अहमदाबाद, मुंबई, पुरी, जम्मू, हर जगह आपको केवल और केवल फैंस का वो जुनून नजर आएगा, फैंस का वो पागलपन नजर आएगा जो जानते हैं इस जीत के मायने क्या है। घर में मैच देखा या फिर एक साथ मिलकर मैच देखा और आखिर में निकल पड़े हैं रात में सड़कों पर जश्न मनाने के लिए, आपको हर एक शहर में कमोवेश वैसी ही तस्वीरें जश्न की, जोश की नजर आ रही है। हम जो संवाददाता हमारे जुड़े हैं, जल्दी जल्दी उनके पास भी हम चलते हैं, चंडीगढ़ की का हाल पहले जानते हैं। बताइए जी हाँ, मैं आपको बता दूं जहां मैं खड़ा हूं, ये सेक्टर 22 है चंडीगढ़ का, और यहां पर एक बिग स्क्रीन लगाई गई थी लोगों के लिए कि ये फाइनल देखा जाए। जिस तरह इंडिया चैंपियन बनाया, कुछ लोग हैं हमारे साथ। हाँ जी, इंडिया चैंपियन बनाया T20 का, किस तरह देखते हैं इस परफॉर्मेंस को पूरी? मुझे बहुत अच्छा लगा, सूर्य कुमार ने जैसी कैच पकड़ी बहुत अच्छा फील हुआ। इंडिया को आगे भी जीतना चाहिए और हमेशा जीतते रहेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। फॉर मी सूर्य कुमार इज द मैन ऑफ द मैच। इंडिया हैज कम बैक विद अ फैबुलस कमबैक। Go India, go! आप देख सकते कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ। मैम, आपने मैच देखा होगा, किस तरह देखा? पूरा मैच देखा, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली ने संन्यास लेने की बात कही, तो वो कुछ जैसे हम लोग उनके उनके चाहने वाले हैं, तो उसके लिए निराशाजनक भी है। तो
यंग फैंस भी हैं हमारे साथ, देखा आपने इंडिया का मैच, कौन है हीरो फिर आज? मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा बर्डन तो हार्दिक पे पड़ा था, क्योंकि लास्ट में वो ही एक बंदा था जो हमें जिता सकता था। सूर्य ने कैच की, लेकिन वो भी सिर्फ हार्दिक की वजह से। आप देख सकते हैं किस तरह फैंस है, क्योंकि यहाँ पे काफी तादाद में थे यंग फैंस। वो आखिरी सेकंड लास्ट ओवर आप किससे कराएं, क्योंकि आपके जो गेंदबाज जो फॉर्म में है अर्शदीप, उनको लास्ट के लिए बचाएं या फिर पहले आप उनसे गेंदबाजी करा लें? लेकिन आखिर में जो कैप्टेंसी डिसीजन थे रोहित शर्मा के, वो भी काम किए। पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला चला और आज उनकी कप्तानी का भी दबदबा पूरी तरीके से विक्रांत नजर आया है। क्या बोलना आपसे? विराट कोहली के लिए मुझे आगे आ जाइए थोड़ा। हाँ जी, विराट कोहली के लिए बोलना था। अच्छा, बिग फैन ऑफ विराट कोहली। थोड़ा बोलिए, यहीं से आवाज जाएगी। विराट कोहली के लिए मुझे बोलना था, आई बीन अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली फ्रॉम न्यूजर्सी, और जिस तरीके से विराट भाई रिटायर हुए हैं, ग्रेट कोहली, हैट्स ऑफ टू हिम एंड दैट दिस होल वर्ल्ड कप इंडिया जो जीता है, रोहित शर्मा के लिए, राहुल द्रविड़ के लिए और विराट के लिए, एक्सीलेंट, वेरी वेल डिजर्व्ड। एक्सीलेंट, बहुत देर से बेचारे खड़े थे, बहुत देर से। पाकिस्तानी हूँ मैं, न्यूजर्सी बॉर्न एंड रेज्ड, और यहाँ इंडिया को जितवाने आए हैं, कांग्रेचुलेशन इंडिया। तो श्वेता, फिर वही बात आ गई ना, पोएट्रिक जस्टिस, विराट, रोहित शर्मा, ये सारे खिलाड़ी अरसे से लगे हुए थे, और शायद लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए, एक ट्रक गुजर रहा है उसके ऊपर सारे फैंस चढ़ गए हैं, ट्रक भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और एक तरह से ये विजय जुलूस की शक्ल में आपको दिख रहा है, तिरंगा ले लेके सारे फैंस चढ़ गए हैं ट्रक के ऊपर और लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जीत का नशा है, ये जीत का जुनून है जो सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है। सिर्फ टीम इंडिया के लिए नारेबाजी चल रही है, भारत माता की जय के नारे चल रहे हैं, सुनिए। और ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, इंडिया गेट पर आमतौर पर घूमने फिरने अपने परिवारों के साथ सब जाते हैं, लेकिन आज मैच देखने के बाद यहां पर आए हैं। और देखिए, नाचने के लिए म्यूजिक की जरूरत नहीं होती है, ये साबित कर रहे हैं दिल्ली वाले, नाचने के लिए केवल आपको चाहिए तो एक कारण। हार नहीं होती पूरे देश में, सबकी जीत होती है। चुनावों से निकलकर हम ये वर्ल्ड कप तक पहुंचे हैं, वहां पर तो किसी की हार किसी की जीत, लेकिन यहां पूरा का पूरा देश जीता है। इसीलिए आप ऐसे मौकों पर पूरे देश को एक साथ जश्न मनाते हुए देखते हैं, और बेहद खूबसूरत ये तस्वीर होती है, चाहे दिल्ली के इंडिया गेट की ये तस्वीर देखें या फिर इंडिया की, टीम इंडिया की जर्सी में आप सारे लोगों को जश्न मनाते हुए ढोल की थाप पर नाचते हुए देखें। इंडिया गेट पर पूरी दिल्ली ऐसे उमड़ी है, अभी तक बारिश की वजह से जाम हो रहा था सड़कों पर, अभी लोग ही लोग निकल आए हैं यहाँ पर। अब हम सब इंतजार करेंगे कि टीम इंडिया जब यहाँ पर आती है तो क्या कार्यक्रम होने वाला है, टीम इंडिया जब वापस लौट कर आती है तो जश्न कैसे मनने वाला है, क्योंकि 2000
सात याद कीजिए, 2011 याद कीजिए, पूरा जो काफिला है वो निकला था टीम इंडिया का। इस बार किस शहर में निकलने वाला है उसका इंतजार करना पड़ेगा। हम विक्रांत से भी कुछ देर में जानेंगे, लेकिन पहले हम अहमदाबाद चलते हैं, क्योंकि गुजरात के चार लड़के और बड़ा फख्र के साथ उस समय सब कह रहे थे जब मैच से पहले हमने बातचीत की थी, सब बहुत गर्व से कह रहे थे कि हमारे ही लड़के जिताएंगे। तो अभी अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाएं। अहमदाबाद की तस्वीर आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो रोड है पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। पब्लिक जो है, लोग जो है, क्रिकेट फैंस पूरी तरह से रोड पे निकले हुए हैं। जहाँ पे भी नजरें जाएं हर जगह जो है क्रिकेट फैंस दिख रहे हैं। पूरा रोड यहाँ पे ब्लॉक कर दिया फैंस ने। कुछ फैंस है उनसे बात करते हैं। आज गुजरात से जो प्लेयर्स थे अच्छा खेले हैं, बुमराह हो या फिर हार्दिक हो, आखिरी ओवर किस फैंस या क्रिकेट के ऊपर आपकी नजरें थी और आज किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा? सबसे अच्छा हार्दिक पांड्या का था, क्योंकि उनके स्टोर में बहुत अच्छे रन डिफेंड किए उन्होंने, और वो बहुत अच्छी बात हुई थी क्योंकि ऐसा कमबैक आईपीएल से भी कमबैक किया और बहुत अच्छा खेला उन्होंने। उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी और बैटिंग में लास्ट भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। विराट कोहली ने भी आज वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में खेले, किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, कितनी बड़ी जीत है आज की? आज के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि विराट कोहली ने आखिरी में उसकी बारी बचा के रखी थी द बिग शो के लिए। श्वेता, यहाँ पे बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप भी यहाँ पे बाहर निकले हैं, क्यों बाहर आए, क्या सेलिब्रेशन है आज जीत का या दूसरी कोई वजह? मैं आज इंडिया T20 वर्ल्ड जीत गया, पहली बार 2007 से लेकर आज 2024 में जीता है, तो खुशी तो होगी ना। किस प्लेयर का किस साल में पैदा हुए? सारे प्लेयर्स, सबसे ज्यादा विराट कोहली का लगा क्योंकि उन्होंने 76 रन बनाए। कितनी उम्र है आपकी? देखिए 10 साल का बच्चा है, पर 2007 से 24 जो यही हर क्रिकेट फैंस की आज जुबानी है, जहां कहीं भी नजर जाए अहमदाबाद की सड़कें आज इसी तरह पूरी तरह से पैक है। जहां भी देखे गाड़ी में लोग आ रहे हैं, भारत का झंडा लेकर हर जगह क्रिकेट फैंस है। लगता है कि आज 2 बजे से पहले ये सड़कें खाली नहीं होगी। जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं, अहमदाबाद की हर एक सड़क पे नजारा देखने को मिल रहा है, और शायद ये अहमदाबाद नहीं देश के हर कोने में क्रिकेट फैंस को इतनी खुशी है कि आज 2007 के बाद 17 साल के बाद जो है T20 वर्ल्ड कप और 2011 के बाद आज कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत जीता है, तो ये खुशी फैंस के चेहरों पे देखने को मिल रही है। देखिए जहां कहीं भी कैमरा जा सकता है, जहां कहीं भी नजरें जा सकती है, हर जगह सभी जगह लोग जो है रास्तों पे उमड़ चुके हैं, बाहर निकले हैं, भारत की जीत, वर्ल्ड कप की जीत की खुशी यहाँ पे सेलिब्रेट करने पहुंचे, और यही खुशी हर क्रिकेट फैन को चेहरे पे देखने को मिल रही है, और यही तस्वीरें कल सुबह तक देखने को मिलेगी, ऐसे आसार अभी दिख रहे हैं। जी श्वेता जी, और वही हम कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है, अब टीम इंडिया कहां पर अपना विक्ट्री जुलूस निकालने वाली है, क्योंकि उस बच्चे की बात सुनकर भी समझिए कि एक पूरी पीढ़ी है जिसने नहीं देखा था वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए।